हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम ऐसे स्टॉकों पर बात करने वाले हैं जो कि आज के दिन लगभग 7% से अबव का हमें इस स्टॉक में रैली हमें देखने को मिला है। हालांकि 2 रोज बिफोर हम इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था जब स्टॉक के प्राइस 525 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उस समय हम आप लोग को वीडियो में बोला था कि इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रखिए, हमें शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। और दोस्तों विद इन 2 डे के अंदर इस स्टॉक में हमें 7% से अबव का हमें आज के दिन जंप देखने को मिला है। लगभग 2 दिन के अंदर में स्टॉक में हमें लगभग 11% के अराउंड में हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा खासा है, और स्टॉक इस प्राइस से काफ़ी आगे जाने के लिए रेडी है। तो दोस्तों हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा लेटेस्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों हम हमेशा एक ऐसे स्टॉक लेके आता हूँ जो कि आपको लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों में अच्छा खासा मुनाफा दे सके। तो दोस्तों हम आप लोग से बात करें और टाटा केमिकल लिमिटेड की रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में लगभग हमें 8% का रफली हमें जंप देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि स्टॉक के प्राइस यहाँ पे लगभग 525 के ऊपर ट्रेड करा था, आप देख सकते हो ये 5/5 का है, और यहाँ पे हमने एक वीडियो बनाकर बोला था कि इस स्टॉक के ऊपर आप लोग फोकस बनाकर रखिए, हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। और यहाँ से इस स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त तरीके से जंप हमने देखने को मिल रहा है, और यहाँ से लगभग हमें 10% से अबव का हमें जंप देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। दोस्तों जब स्टॉक प्राइस सितंबर में 250 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उस समय भी हम आप लोगों को वीडियो बनाकर बोला था उस समय से कि इस स्टॉक के ऊपर आप लोग फोकस बनाकर रखिए, इसमें हमें बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है आने वाले दिनों में। स्टॉक विद इन 6 मंथ की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिटर्न दिया है, लगभग 100% का इसने रिटर्न दिया है दोस्तों जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अभी भी हम बोल रहे हैं दोस्तों इस प्राइस से इस स्टॉक के प्राइस आने वाले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक के प्राइस लगभग हमें 700+ की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें और पेशेंस चाहिए। स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक लगभग 700+ में हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। दोस्तों अगर वही बात करेंगे पिछले 6 मंथ के रिटर्न का इस स्टॉक का, तब देख सकते हो लगभग 100% के अप्रोक्स में हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे यहाँ पे पिछले 1 साल की, तब देख सकते हो पिछले 1 साल में अभी भी इस स्टॉक में लगभग 20% से अबव का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं बात करेंगे पिछले 5 ईयर का, तब देख सकते हो पिछले 5 साल में हमें इस स्टॉक में लगभग 76% से अबव का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है जो कि ठीक ठाक हम बोल सकते हैं। वहीं अगर मैक्सिमम डे के चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप लोग देख सकते हो इस स्टॉक में हमें लगभग 457% के आसपास का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है जो कि हम ठीक ठाक बोल सकते हैं। वहीं बात करेंगे इस स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, उससे पहले हम कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखेंगे NSE की साइड पर, यहाँ पे अगर आज के दिन की बात करें तो इस स्टॉक में जो हमें डिलीवरी देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो हमें लगभग 16% हमें डिलीवरी देखने को मिला है जो कि उतना अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि आज के दिन इस स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रैली दिया है 8% का, जिसके वजह से आज के दिन कोई खास हमें डिलीवरी नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे यहाँ पे 52 लो एंड हाई का, तब देख सकते हो स्टॉक लगभग 200 रुपये के अप्रोक्सीमेट ट्रेड कर रहा था लास्ट ईयर जब देश में लॉकडाउन की स्थिति हुई थी, और उससे बिफोर स्टॉक लगभग 780 के अप्रोक्सीमेट ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिला था, और वहाँ से जब देश में लॉकडाउन की स्थिति हुई थी तो स्टॉक लगभग 200 रुपये के आसपास में ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिला था, लेकिन इस स्टॉक में इस प्राइस से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें रिकवरी देखने को मिल रहा है, और स्टॉक हमें फिर से एक बार 780 रुपये क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस चाहिए। दोस्तों वहीं बात करेंगे इस स्टॉक का फेस वैल्यू का, तो हमें 200 रुपये देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसका क्वार्टर के रिजल्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट अपडेटेड है दोस्तों, और यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा नेट प्रॉफिट शो किया है, लेकिन बात करें अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर से यहाँ पे थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है दिसंबर क्वार्टर में। वहीं बात करेंगे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग की बात करते लगभग यहाँ पे 37% से एवप यानी कि 38% के अराउंड में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर प्लेस भी है, तो यहाँ पे देख सकते हो कोई प्रमोटर का शेयर दोस्तों प्लेज हमें नहीं देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टॉक मुझे लगता है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा खासा साबित हो सकता है, तब चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर आप लोग फोकस बना के रख सकते हो। वहीं बात करेंगे इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ खास इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर देख लेते हैं इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लगभग हमें
14,000 प्लस में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे फेस वैल्यू का तो यहाँ पे हमें 10 रुपये देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 2.50 देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पी रेशियो से इस स्टॉक का पी रेशियो काफ़ी अभी हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टॉक में हमें आने वाले दिनों में हमें लगभग 700 प्लस में हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। डेफिनेटली स्टॉक हमें 700 प्लस में हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं बात करेंगे इसका दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में कितना सेल्स दिखाया कंपनी ने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अगर बात करें सेल्स का, अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर, यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में सेल्स में थोड़ा सा नहीं कि 3 करोड़ का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन हम ठीक ठाक बोल सकते हैं। वहीं बात करेंगे नेट प्रॉफिट से रिलेटेड, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में। वही हम बात करेंगे इस स्टॉक में रिजर्वन सरप्लस का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्वन सरप्लस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें ईयर बाय ईयर हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्टार्ट देना चाहूँगा। वहीं बात करेंगे डेप्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे अदर लेबिलिटी लगभग 7,700 प्लस में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे यहाँ पे करेंट लेबिलिटी लगभग 7,000 प्लस में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे फिक्स एसेट का, तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के पास फिक्स एसेट भी काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहे हैं, और खास करके लास्ट ईयर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जंप दिखाया था कंपनी ने फिक्स एसेट में। मैं यहाँ पर भी स्टार्ट देना चाहूँगा। वहीं बात करेंगे इस स्टॉक में FII की होल्डिंग कितना है, DII की होल्डिंग कितना है, तो आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले बात करेंगे प्रोमोटर का होल्डिंग का, यहाँ पे तो हमें लगभग 38% का अराउंड यानी कि हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है प्रोमोटर का। वहीं बात करेंगे FII की होल्डिंग की, लगभग यहाँ पे हमें 12% से अबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करेंगे DII की होल्डिंग की, तो लगभग यहाँ पे 25% के अप्रोक्स में हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। वहीं बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग का, तो यहाँ पे लगभग 25% के अराउंड में हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर रिटर्न भी हमें काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। अगर चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग फोकस बनाकर रख सकते हो, स्टॉक लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों के लिए काफ़ी अच्छा खासा साबित हुआ है और आगे भी होगा। वहीं बात करेंगे अगर इस स्टॉक में हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, तो दोस्तों इस प्राइस से बात करें तो स्टॉक अगर एक अगर हम इम्पोर्टेंस सपोर्टेबल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें लगभग 525 का हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में थोड़ा सा हमें और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, अदरवाइज स्टॉक की प्राइस हमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और हमें जंप देखने को मिलेगा और हमें लगभग स्टॉक 700 प्लस में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा इस स्टॉक में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगे प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा लेटेस्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।